हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सागर गुला। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज गूगल इंडेक्स इन गूगल वेब मास्टर। जैसे कि ये हमारा मॉड्यूल जो चल रहा है गूगल वेब मास्टर का, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको सर्च ट्रैफिक के बारे में बताया था, तो अब हम एक और पार्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गूगल इंडेक्स। कि गूगल इंडेक्स बेसिकली वर्क क्या करता है, आप मेरे इस आर्टिकल में भी, हमारे ब्लॉग में sagargula.com में भी आप पूरा इसका थ्योरी पार्ट पढ़ सकते हैं एंड वीडियो हम आप आज डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली जब आप गूगल वेब मास्टर में जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है गूगल इंडेक्स, इंडेक्स स्टेटस। इंडेक्स स्टेटस में देखेंगे कि आपका बेसिकली एक ग्राफ दिखाएगा, उसमें आपको ये दिखाएगा कि कितने पेज आपके गूगल के अंदर इंडेक्स हैं। सिंपली एक ग्राफ है, इसका इतना कोई बड़ा यूज़ नहीं है, बट एक देखने का तरीका है कि आपके जो पेज हैं वो कितने इंडेक्स हैं गूगल के अंदर। तो ये आपको ये सिंपली ग्राफ दिखा रहा है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है हमारा ब्लॉग रिसोर्स। ब्लॉग रिसोर्स के अंदर कोई आपका एक्सटर्नल कोई यूआरएल आपने डाला हुआ है जो कि गूगल की नज़रों में ब्लॉक है या गूगल उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो उस यूआरएल को ब्लॉक कर देता है। अगर वो यूआरएल आपके किसी पेज में है तो कहीं ना कहीं उस पेज को इफेक्ट करता है। मतलब कि अगर एक्सटर्नल आपने कोई लिंक लगा रखा है अपनी वेबसाइट के अंदर, मान लीजिए आपने किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट की ऐड लगा रखी है या कोई ऐसा लिंक लगा रखा है जो गूगल के लिए नज़रों में इफेक्ट है, तो आप उसको तुरंत रिमूव करिए अगर यहाँ पर वो इंडिकेशन देता है। तो जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे यूआरएल दिखा रहा है, तो ये 13 पेजों को इफेक्ट कर रहा है और यहाँ पर आपको यूआरएल भी दिखा रहा है कौन सा यूआरएल है। तो अगर ये आप रिमूव कर देंगे तो जो आपके पेज इफेक्ट हो रहे हैं वो इफेक्ट होना कम कर देंगे और नहीं होंगे, जिससे क्या है आपकी गूगल में दोबारा से रैंकिंग आना स्टार्ट कर देगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई यूआरएल आपके पेज को इफेक्ट ना करे। यहाँ पर ये प्रॉपर आपको डाटा भी दे रहा है, तो आप जल्द से जल्द इन यूआरएल को रिमूव करिए अपनी वेबसाइट से। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास रिमूव यूआरएल्स। रिमूव यूआरएल का मतलब है कि मान लीजिए आपने कोई पेज डिलीट करा अपनी वेबसाइट से, बट अभी वो सर्च इंजन के अंदर है, तो अगर आपको सर्च इंजन से भी तुरंत उसको रिमूव करना है तो बेसिकली सिंपल है, आप रिमूव टेम्परेरी हाइड में जाएंगे, यहाँ अपना यूआरएल डालेंगे और कंटिन्यू करके उसको हाइड कर देंगे। तो ये हमारी जो पूरी वीडियो थी वो गूगल इंडेक्स के ऊपर थी। तो आने वाली वीडियो के लिए एंड अपडेटेड वीडियो के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।